नमस्ते शारदा डिज़ाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पुराने स्वेटर को दोबारा से यूज करना बताऊंगी, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो देखिए, मेरे पास ये एक बेकार सा ये स्वेटर है, तो इसी से मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बनाकर दिखाऊंगी। तो सिर्फ हमें स्लीव्स की ज़रूरत है, और जो ये बीच का पोर्शन है ये नहीं लेना है, सिर्फ दोनों स्लीव्स ही लेनी है। तो इस तरह से सिलाई को हटा करके स्लीव्स को स्वेटर से अलग कर देंगे, इस तरह से देखिए। इसी तरह से दूसरी को भी कर देंगे अलग। तो इस तरह से हमें सिर्फ स्लीव चाहिए, इसको हम हटा देंगे और फिर इस तरह से दोनों को बराबर करके रखना है। और फिर इस तरह से रखना है और इंच टेप से निशान लगाना है। तो इस तरह से मैं 18 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे और फिर यहाँ से दोनों की कटिंग कर देंगे। इन स्लीव्स से हम पिंडलियों में पहनने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ बना रहे हैं। अगर आपके पैरों में दर्द होता है या कोई और भी प्रॉब्लम होती है तो इनको पहनने से काफ़ी आराम मिलता है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद 1 इंच पर निशान लगाना है और फिर अंदर को मोड़ करके सिलाई करनी है और थोड़ा सा 1 इंच पोर्शन खुला रखना है इलास्टिक डालने के लिए। तो इस तरह से यहाँ से मैंने ये खुला रखा है। तो इस तरह की हमें इतनी बारीक इलास्टिक लेनी है। हमें कितनी इलास्टिक चाहिए इसके लिए हम अपनी जो पिंडलियां हैं उनकी गोलाई की नाप ले लेंगे। घुटनों से थोड़ी नीचे लेनी है। तो देखिए इस तरह से, तो जो गोलाई है वो है 16 इंच। तो 16 इंच में हम 4 इंच घटा देंगे, तो जो इलास्टिक लेनी है वो लेनी है 12 इंच की, इस तरह से इतनी। तो मैंने ये 12 इंच की इलास्टिक ली है, आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी ले सकते हो। और फिर इस तरह से एक सेफ्टी पिन में इलास्टिक को डालना है और यहाँ से इलास्टिक को डाल देना है। इस तरह से हमने इलास्टिक को डाल लिया है। अब दोनों साइड को रखकर इस पर सिलाई कर देंगे ऐसे, और जो ये खुला हुआ पोर्शन है इस पर भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बिल्कुल तैयार है। इस तरह से आप सर्दियों में पहनने के लिए इनको बना सकते हो, काफ़ी आराम मिलता है इनसे पैरों में। इसलिए फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर बनाएं, बहुत ही आरामदायक चीज़ है ये पैरों के लिए। इसी तरह से मैं दूसरी को भी तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पैरों में दर्द है या आपको वेंस वेरिकोज की प्रॉब्लम है या जाड़ों में सर्दियां अधिक लगती हैं पैरों को, तो इस तरह से आप ये बनाकर पहन सकते हो।